नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, पुली प्रॉब्लम। पार्ट वन में हमने क्या देखा था, बहुत सारे केसेस को डिस्कस किया था। अब पुली प्रॉब्लम पार्ट टू, पुली प्रॉब्लम पार्ट टू, केस नंबर फाइव। केस नंबर फाइव, आपने पहले कितने केसेस पढ़े, चार। अब हम पढ़ेंगे केस नंबर फाइव। क्या है इस केस में पुली प्रॉब्लम से रिलेटेड सवाल। इसमें यह पूछा जा रहा है कि अगर एक स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक रख दिया गया है जो जिसका मास m1 है या m2, m1, ठीक, और यहां से ऐसे पुली लगाई गई, ठीक, यहां से ऐसे पुली लगाई गई और इस पुली से होते हुए एक रस्सी गुजरी है और यहां पर ये स्मूथ सरफेस पे, ठीक, ये इस तरीके से बात कर रहे हैं, बात को समझिएगा। और यहां एक मास इन्होंने ऐसे लटका दिया जिसका है m2, ठीक, ये है मामला पुली का। फाइंड एक्सेलेरेशन एंड टेंशन, फाइंड एक्सेलेरेशन एंड टेंशन आपको बताना है। चलिए केस नंबर वन है ये, फाइंड एक्सेलेरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक। चलिए फाइंड करिए, कैसे करेंगे, बहुत आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर ये क्या है, स्मूथ सरफेस, ये है स्मूथ, उन्होंने पहले ही बोल रखा है ये स्मूथ, इसका मतलब अगर जरा सा भी मास इसका ज्यादा हुआ तो यानी ये सारा का सारा मामला इधर, अगर ये दोनों इक्वल है तब क्या होगा, अगर ये दोनों मास इक्वल हो जाए और फ्रिक्शनलेस सरफेस हो तब क्या होगा, क्या तब भी ये नीचे की तरफ सरकेगा, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इधर की तरफ देखिए इसका मास जो है ये इधर की तरफ, इसका वेट क्या काम करेगा, एम टू जी, इसमें क्या काम करेगा, कहेंगे टेंशन काम करेगा, स्ट्रिंग यहां से लेके यहां तक सेम है इसलिए टेंशन वही रहेगी। इधर की तरफ इसका कहेंगे इधर की तरफ एम वन जी और ऊपर एक रिएक्शन फोर्स आर, आर और एम वन जी एक दूसरे को केवल और केवल बैलेंस करेंगे, ठीक। अब ये एम टू जी यानी एम टू इज ग्रेटर देन अगर एम वन हो गया तो क्या होगा, एम टू इज ग्रेटर देन एम वन। चलिए पहला केस इसमें क्या हो जाएगा, नंबर वन, एम टू इज ग्रेटर देन एम वन, तो जाहिर सी बात है किसका मतलब यानी यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला मास नीचे की तरफ जाएगा तो इसको भी इधर की तरफ खींच लेगा, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, ये वाला मास इसको इधर की तरफ खींच लेगा अगर यानी इसमें, तब फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नेट फोर्स किधर की तरफ काम कर रहा, इधर की तरफ, नीचे की तरफ, इधर की तरफ एक्सेलरेशन काम कर रहा, ठीक, और इसमें भी एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड वही आएगा जो कि इसमें रहेगा, यानी इसमें एक्सेलेरेशन किधर की तरफ, ये इधर की तरफ, और इसमें भी एक्सेलेरेशन इधर की तरफ ही रहेगा और वो भी क्या, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, भले ही डायरेक्शन यहां से लेके यहां तक इधर रहेगी लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा एक्सेलेरेशन का, ठीक। चलिए तो एक्सेलेरेशन होगा क्या, कहेंगे नेट फोर्स, कहेंगे यही काम कर रहा और कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा, एम टू जी अपान क्या, टोटल मास एम वन प्लस एम टू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एफबीडी बनाकर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, यानी हमारे पास क्या एक दो तीन, तीन चीजें हैं, तीनों की एफडी बने, एफबीडी बनेगी, नंबर वन, नंबर टू और ये नंबर थ्री, जिस पे की क्या है ये, ठीक, ये रस्सी, ये ऐसे है, ऐसे, ठीक, क्लियर है। चलिए इसका मतलब ये एम वन है, ये एम टू है, इस पर कौन सा काम कर रहा है, केवल और केवल इधर की तरफ, यह रस्सी में टेंशन है टी और कोई नहीं, और ये क्या है, ये R और M1 जी दूसरे को बैलेंस किए, इनसे मोशन का कोई लेना देना नहीं, ठीक। चलिए इसमें देखते हैं M2 में नीचे की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है M2 जी, ऊपर क्या है टेंशन, इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, इसका एक्सेलेरेशन इधर की तरफ A, ठीक, क्लियर है। चलिए इसमें कह रहे हैं इसमें इधर की तरफ एक टेंशन, इसमें भी इधर की तरफ एक टेंशन काम कर रही है, इसका नेट रिजल्टेंट टेंशन जो इधर की तरफ आएगा वो आएगा टी डैश, और टी डैश की वैल्यू क्या आएगी, कहेंगे टी डैश इज इक्वल टू टी रूट टू, यानी रूट टू टी आएगा, ठीक, ये इधर की तरफ की सरफेस पे ऐसे लगा था, क्लियर, आप ये सब चीजें कर लेंगे। चलिए अब अगर इससे देखा जाए, कहेंगे इसमें यानी यहां पर एम टू, अब इक्वेशन बनानी है इसके लिए और इसके लिए,
इक्वेशन बना लीजिए बड़े आराम से। इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कहेंगे M2G ज्यादा है किससे, इस टेंशन से, इसलिए क्या हो रहा है, कहेंगे M2A1 रहा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके लिए जरा देख लेते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, इसको कुछ और ना समझिएगा, ये केवल और केवल इसको इंडिकेट किया गया है कि इसकी इक्वेशन लिखी जा रही है। इसमें ये टी ज्यादा है किससे, कहेंगे एम किसी से नहीं, बस केवल और केवल किससे ज्यादा है, क्या कुछ नहीं है, वहां टी इक्वल टू क्या है, कहेंगे इसी की वजह से क्या है इसमें एक्सेलरेशन। इस टी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आपको एक्सेलरेशन मिल गया जाएगा। इस टी की वैल्यू कहां पुट कर दे, यहां पर पुट कर दीजिए तो क्या बनेगा, ये कहेंगे ये देखिए M2G - M1A = M2A। अब इसको उधर ले आइए तो क्या बन जाएगा, A = M2G / M1 + M2 आ गया सेम। तो अब चाहे जैसे निकाल कर ला सकते, सारी क्वेश्चंस आपने बना ली, ठीक, चलिए क्लियर है। अब टी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो टी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आपने पहले ही एक क्वेश्चन बना रखी है टी के लिए, ठीक। इसी टी में आपको क्या करना है, ऐड कर देना है ए की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, मतलब इसी में पुट कर देना है ए की वैल्यू, क्या आ जाएगी, कहेंगे M1 M2G / M1 + M2। दोनों आंसर आ गए, इसको नोट करिए। अब अगले चलते हैं अगली सिचुएशन पर, ठीक, अगली सिचुएशन पर। अगर इसका मतलब, यानी ये सिचुएशन आपने देख ली सारी की सारी, अब अगर आपसे कहा जाए कि M1 M2 सेम है, तो जहां जहां सेम है जरा रखिए क्या कट जाएगा, क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, जरा देखिए, कह रहे हैं M1 M2 सेम है, नंबर वन सिचुएशन, नंबर सेकंड, नंबर सेकंड यही कर लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि M1 M2 सेम है, M1 = M2, तो जो आपने निकाला है इसमें वहीं पर आप सेम रखते चलिए, वहीं पर आप सेम कर दीजिए, यानी M1 M2 = M मान लें अगर, तो क्या आ जाएगा, यहां A निकालेंगे तो A निकालेंगे, A और T चाहिए और कुछ नहीं, तो A की वैल्यू ये आई है, देखिए A की वैल्यू क्या है, यही है, ठीक है। केसेस को कैसे हैंडल करना है ये आपको सीखना आना चाहिए, ठीक है ना, जरा सा दिमाग लगाएं कि ज्यादा कम कर दिया तो क्या होगा, करके देखना होगा, क्या दिक्कत है। यहां पर रख दे M G / M + M, क्या हो जाएगा ये A = M G / 2M, कोई दिक्कत, M से M कैंसिल, यानी एक्सेलेरेशन होगा, एक्सेलेरेशन कितना होगा, G/2 का होगा, देख रहे हैं सवाल। आप ये क्या सोच रहे, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ये दोनों बराबर हो गए तो एक्सेलेरेशन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, मासेज रेस्ट में नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि यहां क्या है, फ्रिक्शनलेस सर्फेस है, ये स्मूथ सर्फेस है, यानी ये फिर भी क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा ही करेगा। तो अब टी निकालेंगे तो क्या होगा, कहेंगे टी के लिए ये सिचुएशन नंबर वन थी, ये सिचुएशन नंबर टू हम कर रहे हैं, ठीक, टी के लिए। बात को समझिए, एकदम आराम से करना है, कोई घबराने की जरूरत क्या है, आपसे क्या जाए वो कम है या ज्यादा है, वो ज्यादा है वो कम, उससे क्या मतलब, वैल्यू पुट करके देखने में क्या हर्ज है, समझ रहे हो, ठीक। तो ये सिचुएशन नंबर वन थी जिसको हम ज्यादा के लिए, जिसमें हम एकदम कॉमन सेंस हमारा बराबर काम रहता कर रहा है, तो हम यहां आराम से निकाल ले रहे हैं कि फाइंड एक्सेलेरेशन एंड टेंशन, तो हमने एक्सेलेरेशन निकाला, तो कहा जा रहा है कि M2 > M1, क्या फर्क है, दोनों मान बराबर भी रहेंगे तब भी आएगा, नहीं बराबर रहेंगे तब भी आएगा एक्सेलेरेशन, ठीक, बराबर रहे तो क्या आएगा, कहेंगे M2G / M1 + M2, ठीक। टेंशन क्या आएगी, कहेंगे M1 * A आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, A की वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पे, तो M1 * M2G / M1 + M2 आ जाएगा। यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कहेंगे M2, दोनों सेम है इसके लिए सिचुएशन नंबर सेकंड के लिए, / 2M, एक M से M कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन कितना बना, कहेंगे MG / 2, टेंशन कितना हो गया, MG / 2, टी की वैल्यू क्या, कहेंगे MG / 2। नोट कर लीजिए इसको, तो आप दोनों केसेस देख लिए, दोनों केसेस आराम से आपने देख लिया, ठीक, क्लियर है। ये कब है, कब, जब M1 M2 इक्वल, तो दोनों केसेस में क्या है, कहेंगे टेंशन भी काम करेगा, एक्सेलेरेशन भी रहेगा, ठीक है ना, दोनों केसेस आप देखिए, कम ज्यादा से इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। अगर ये कम हो जाए तो भी क्या, इसकी वैल्यू तो आप पुट करेंगे ही ना, इसकी वैल्यू तो आप पुट करेंगे ही ना, अगर ये कम हो जाए, मान लीजिए यहां पर ये वाला कम है, ये 3 किलोग्राम का, जरा करते हैं, जरा नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, जरा एक सवाल पे कर लेते हैं इसी को,
नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ये टी की वैल्यू आप निकाल लेंगे, टी डैश, टी डैश कितना आ रहा है, ये आ रहा है टी रूट टू, और टी की वैल्यू रख देंगे इसमें केवल और केवल रूट टू का मल्टीप्लाई करना रहेगा, आपका काम हो जाएगा इसमें भी और इसमें भी। टी डैश अगर आपको चाहिए तो इसमें रूट टू का, इसमें रूट टू का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका काम हो जाएगा क्योंकि वहां पर आपने पहले ही निकाल रखा। सवालों को किसी भी तरीके से करना होता है, ठीक, इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। चलिए, आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि अगर M2 की, M1 की वैल्यू कितनी है, कह रहे 4 kg एंड M2 की वैल्यू है 2 kg, ठीक, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। आपको लग रहा होगा, आप समझेंगे कि ये तो मास कम है, ये मास कम है, ये ज्यादा है, कहां खींच पाएगा, जबकि यहां दिमाग लगाना है कि स्मूथ सरफेस है, उस पर रुकेगा नहीं, अगर जरा सा भी फोर्स काम कर गया तो यहां पे क्या, यहां पे ये एक्सेलरेशन इसका इधर की तरफ हो जाएगा, यानी ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, अगर जरा सा भी काम कर गया। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इस केस के लिए, पर्टिकुलर केस के लिए, अभी हम लोग एक्सेलरेशन क्या फाइंड किए थे, ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एम टू जी अपान एम वन प्लस एम टू, जरा करके देखते हैं, यही आ रहा था। चलिए, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर रखेंगे एम टू, एम टू कितना 2, एम टू कितना 2, 2 इंटू 10 अपान दोनों का मास ऐड कर दीजिए, यानी 6 आ जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू कितना आ गया, जी बाई 3। बात समझ में आ रही, बात जी बाई 3, कोई दिक्कत, ए इज इक्वल टू 10/3, उसी को जी बाई 3 भी कहा जाएगा, एक्सेलरेशन आ रहा है, समझ रहे हैं आप। चलिए, अलग ये वाला एग्जाम्पल करके ले, इसको आप केस न समझ के बल्कि एग्जाम्पल कर लीजिएगा, ये एग्जाम्पल है, तो आप ये मत ये दिमाग में बिल्कुल, इन सच केसेस, अभी एक नोट लिखेंगे, इन सच केस, यानी इस वाले केस में जब ये स्मूथ है तो आपको मास पे डिपेंड नहीं करेगा एक्सेलरेशन और टेंशन, कि मास की वैल्यू कम है या ज्यादा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। यानी अब अगर आपसे टेंशन पूछा जाए तो टेंशन क्या होता है, कहेंगे ये टेंशन जो आया था, क्या आया था, टेंशन, टेंशन बोलिए भाई, एम वन एम टू जी, यही आया था, एम वन एम टू जी अपान एम वन प्लस एम टू, प्रोडक्ट ऑफ मास आया ऊपर, और उसके पहले जो केसेस पढ़ा थे पुली वाला प्योर पिली था, टू टाइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास अपान सम ऑफ मासेस, यहाँ पे डिफरेंस था, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, ठीक। तो टी की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, तो कहेंगे आप एम वन एम टू की वैल्यू रख दीजिए, ये है 4, ये है 2, ये गुणे 10 अपान कितना, 4 × 2 = 6, ठीक। तो टी की वैल्यू आ जाएगी कितना, 4 × 2 = 8, मतलब ऐसे कर दीजिए, ये हो जाएगा 3, 40/3 न्यूटन। ठीक, 40/3 न्यूटन, समझ में आ गई बात, यानी एक्सेलरेशन भी होगा और टेंशन भी होगा, इसलिए नोट लिखिए, नोट, इन सच केस, इन सच केस जो आप सॉल्व कर रहे हैं इसमें, है ना, एक्सेलरेशन एंड टेंशन, ठीक, मास पे तो डिपेंड करेंगे लेकिन उसकी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेंगे, डज नॉट डिपेंड ऑन वैल्यू, या ऐसे को लिखिए मैग्नीट्यूड, है ना, वैल्यू या फिर मास पे तो डिपेंड करेगा, जाहिर सी बात है मास तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, कम या ज्यादा, इससे कोई मतलब नहीं, वैल्यू, ठीक है ना, या ऐसे को क्या लिख दें, मैग्नीट्यूड ऑफ मास, समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए, अगला सवाल नोट कर लीजिए इसको, अगले सवाल पर चलते हैं। नोट कर लीजिए, चलिए, इसी का एक अगला पार्ट है, इसी केस का, केस नंबर जो भी चल रहा है ये 5 का बी कर लीजिए इसको। इसमें कहा जा रहा है कि अब की बार जो ये सरफेस बनाई जा रही है वो कुछ ऐसे है, ठीक, और ये ऐसे स्मूथ सरफेस है, इधर की तरफ मास लटका हुआ है और इधर की तरफ 2 मासेस हैं, एक मास ये है और इसमें एक मास ये लगा दिया गया और फिर इसको ऐसे इस पे खींचा जा रहा है, ठीक, सिचुएशन ये, एकदम आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। देखिए, नीट 2024 हम लोग को हर हाल में क्या करना है, उलाट देना है भैया, हर हाल में एकदम निकाल के रखना है, ठीक है, कोई ना नुकुर न रह जाए एग्जाम के समय,
कि ये वाला कर लिया होता, काश ऐसे पढ़ लिया होता। इस समय वही बच्चे रो रहे हैं जो ये सोच रहे थे काश ऐसे कर लिए होते, काश वैसे कर लिए होते, काश ये पढ़ लिए होते, काश वो। तो काश वाला काम नहीं अपने पास। ये M1 है, ये M2 है, ये M3। ठीक, आपको टेंशन सारी की सारी पता करनी है। भैया इसमें टी लग रही है टेंशन, यहां से यहां तक, और इसमें टी डैश। आपको फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के सारे एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डिफरेंट तो टेंशन डिफरेंट, क्योंकि स्ट्रिंग यहां से अलग है तो ये टी डैश हो जाएगा। ठीक, टी डैश हो जाएगा। अरे लिख दिए कोई बात नहीं। चलिए केस नंबर, यानी पहला काम क्या करना है हमें, एक्सेलरेशन हर हाल में लाना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। फिर टेंशन इसमें निकालनी है, इसमें निकालनी है, आ जाएगा आराम से बिना ताम झाम के। चलिए तो यहां से शुरू करते हैं इस सवाल को। स्टेप फर्स्ट नंबर वन, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या है, क्या ये इधर की तरफ केवल एक मास काम कर रहा है इसका एम थ्री जी, और इस पर कोई काम नहीं कर रहा है, और किसी की वजह से इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। जो एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस फोर्स को आप पहले कंसिडर करना सीखिए। ये एक्सेलरेशन के लिए जिम्मेदार है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन इसमें होगा, और सबका एक्सेलरेशन यानी इसका इधर और इसका इधर हो जाएगा एक्सेलरेशन। इसका मतलब ए की वैल्यू किसकी वजह से आ रही है, कहेंगे इसकी वजह से। एक्सेलरेशन क्या होगा, कहेंगे एम थ्री जी अपॉन टोटल मास, कहेंगे एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। आप यह बीडी बनाकर लाएंगे तब भी यही आएगा आंसर, आप यह बीडी बनाकर लाएंगे तब भी यही आएगा आंसर। चलिए स्टेप सेकंड, हमें टेंशन चाहिए। अब टेंशन के लिए स्टेप सेकंड में हमें एफबीडी की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले इसको हम कंसीडर करें कि ये मास किधर की तरफ मूव कर गया, कह रहे इधर की तरफ मूव कर गया, ये एम वन। किसकी वजह से, कहेंगे इसमें जो टेंशन टी डैश है, इसलिए टेंशन टी डैश निकल कर आ गई। कितना, कहेंगे एम वन इंटू ए। ए की वैल्यू आपको पता है, इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ए की वैल्यू आपको पता है, इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। केस नंबर थर्ड, तीसरा टी डैश कह रहे हैं, टी डैश सॉरी टी डैश के लिए टी निकालना है। टी तो टी के लिए इसको चाहे तो कंसिडर करिए, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे जिसको भी, ठीक, चाहे जिसको। तो यहां पर इसको अगर हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन हमेशा दिखाना होगा, ये देखिए एम टू रहा, ठीक, इसमें ये टेंशन टी है और इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ, लेकिन इसके साथ देखिए बगल में ये क्या लगा है, टी डैश लगा है। ठीक, ये ज्यादा है, ये कम है, इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, T, ये ज्यादा है ये कम है, T माइनस टी डैश इज इक्वल टू एम थ्री एम टू ए। नेट फोर्स निकाल लेना, ठीक। अब आप यहां से T डैश की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, यानी T इज इक्वल टू क्या बनेगा, कहेंगे यहां पे देखिए ये उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी M1 प्लस M2 इन वन ब्रैकेट इन टू ए। यही तो, ध्यान से करिए, देखिए टी डैश था, टी डैश की वैल्यू एम वन ए है, इधर जाएगी, ये प्लस में हो जाएगा, ए कॉमन ले लेंगे, एम वन एम टू बच जाएगा, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है, दिमाग हल्का सा लगाना है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। बॉडी में मोशन किधर की तरफ हो रहा है, उस मोशन के लिए एक पर्टिकुलर फोर्स कौन जिम्मेदार है, बस ये निकालना सीख गए आप, समझिए इसमें लाप मोशन के जो इस तरह के सवाल आएंगे आपके आंसर हमेशा सही आएंगे। ठीक, बिना कुछ भी दिमाग लगाए, एक्स्ट्रा दिमाग आप ये इक्वेशन बनाओ, वो इक्वेशन बनाओ, अरे काहे लिए बनाओ, जबरदस्ती इक्वेशन बनाना क्यों है, वो तो हम समझ ही गए कि इक्वेशन कैसे बनती है, जरूरत पड़ेगी तो ठीक, नहीं जरूरत पड़ेगी तो ठीक, जयराम जी की, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, समझ रहे हैं। नोट करिए, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला एक सवाल है, कह रहे हैं कि सबकी बार थोड़ा सा मामला कुछ टेढ़ा है, देखते हैं क्या होता है, कितने लोग कर पाते हैं, कह रहे हैं यही है, लेकिन यहां पर अबकी बार ये टी डैश अक्सर आपसे पूछा जाएगा। टी डैश कह रहे हैं कि एक ब्लॉक ये है और इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक चिपका दिया गया है, ये एम वन है और ये एम टू है, ठीक, और यहां से रस्सी बांध, ये याद रखिएगा, ये चिपकाया गया है, चिपकाया गया है, इस पर ग्लू से चिपका दिया गया, ठीक, और यहां पर क्या कह रहे, इस यहां पर एक मास ऐसे लटक रहा है जो है एम थ्री। तो आप समझ गए क्या पूछा गया होगा, आप तो समझ गए क्या पूछा गया है, समझ गए क्या पूछा गया है,
चलिए वही टेंशन और एक्सेलेरेशन निकाल दीजिए, तब तक हम इसमें यही सजावट कर लें, है ना, सजावट कर ले, सजावट सजावट थोड़ा ठीक ठाक लगता है। आ गया आंसर, बड़ा सही, बहुत तेज भाई। क्या पूछा गया था? फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, ए एंड टी की वैल्यू निकालिए। नंबर वन, ए के लिए क्या करेंगे, स्टेप वन हमें केवल और केवल क्या कंसिडर करना है कि किसकी वजह से होगा। सरफेस हमेशा स्मूथ, याद रखिएगा जब फ्रिक्शन की बात होगी तो फ्रिक्शन बोला जाएगा, आपको वहां पे फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया रहेगा, स्टैटिक चाहे काइनेटिक दोनों, ठीक है। तो यहां पर ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एकदम सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, एम थ्री जी अपान एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, बस खेल खत्म। चलिए नंबर सेकेंड, टेंशन चाहिए, टेंशन यानी इसका मतलब इसमें टेंशन इधर की तरफ है और ये टेंशन ये इसमें, एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम लगेगी, टेंशन यहां पर देख रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों मास का सेम है भैया, सब कुछ है ना सेम लग रहा है टेंशन दोनों पे ही, यानी ये ग्लू से चिपकाया गया है, याद रखिएगा ग्लू से चिपकाया गया है, है ना, उसमें फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन की वजह से ये ब्लॉक रुके हुए हैं आपस में इसमें, यानी इसमें लिख दीजिए या तो ग्लू से चिपकाया गया है या यूं कह लीजिए, या फिर यूं कह लीजिए कि इसमें फ्रिक्शन है, वो गिर नहीं रहा, इतना तगड़ा फ्रिक्शन है इसमें, ठीक। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो सरक के गिर जाएगा, है ना, यहां पर हो जाएगा ए, ए की वैल्यू आपको पता है, आप इसमें पुट कर देंगे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल है इसी पे बेस्ड, इस कंसेप्ट पे बेस्ड एक सवाल है, ठीक। क्या पूछा गया है इसमें, टी डैश निकाल के बताइए, टी डैश चाहिए, ठीक। कह रहे हैं कि यह है मामला, ये घिरने पे ही धरा गया है इस तरीके से, और इस तरीके से ये इधर की तरफ लटका है, कह रहे सारे मासेस सेम, ये भी एम मास का है, ये भी एम मास का है, ये भी एम मास का, ठीक। वही आपको फाइंड करना एक्सेलेरेशन एंड टेंशन, और टी डैश फाइंड करना है इसमें आपको, मतलब इस पे लगने वाला रिएक्शन फोर्स, इस पे लगने वाला, इस पुली पे लगने वाला रिएक्शन फोर्स, फाइंड रिएक्शन फोर्स ऑन पुली, पुली पर रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, यही चाहिए करके दिखाइए, शुरू किया जाए। चलिए देखते हैं, नंबर वन स्टेप वन, कुछ भी पूछा जाए स्टेप नहीं छोड़ना है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालेंगे यानी क्या लिख देंगे, एम जी, यही तो तरीका वही है, तीनों मास आपस में ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे थ्री एम, एम से एम कैंसिल, यानी ए की वैल्यू आ गई कितना, कहेंगे जी बाई थ्री, यूनिट आपको पता ही होगा, ठीक। चलिए स्टेप सेकेंड, क्या निकालना था, टेंशन, इसमें और इसमें टेंशन आपको पता चल जाए, तो यहां पर ये जो रिएक्शन फोर्स है ये, यानी इधर की तरफ क्या बनेगा, कहेंगे टी रूट टू बन जाएगा, और यही रिएक्शन फोर्स यहां पर देखिए, ये यहां पर है ये, तो ये इधर की तरफ एक आर, आर काम करेगा, जो आर कितना है, कहेंगे ये टी रूट टू के इक्वल होगा, ठीक। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी की वैल्यू आपको चाहिए इसमें, ठीक, और यहां टी डैश, यहां क्या है भैया, टी डैश, ठीक, टी की वैल्यू आपको चाहिए, तो निकाल लीजिए इसमें क्या है, इसमें एक्सेलरेशन, ये बॉडी किधर मूव कर रही है, इधर की तरफ, इसमें एक्सेलरेशन आपको पहले ही निकाल रखा है, तो यानी एम जी इसका नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, एम जी है ना, कैपिटल एम है, सॉरी यही तो काम कर रहा है नीचे की तरफ, इसका मतलब यानी कौन ज्यादा है, एम जी ज्यादा है, तो इक्वेशन बना लीजिए इसके लिए, यहां पर क्या लिखने का, एम भैया जी माइनस टी इज इक्वल टू क्या, एम इंटू ए, ठीक, ए की वैल्यू आपको पता ही है, तो टी यहां से क्या निकल के आ जाएगा, कहेंगे टी इधर जाएगा तो एम माइनस हो जाएगा, यानी एम ठीक, एम कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखना होगा जी माइनस ए, ठीक, आ गया। अब इसमें जरा टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, जी बाई थ्री हो जाएगा थ्री, यानी टेंशन क्या आ जाएगा, टेंशन, टेंशन देखिए यहां रखेंगे जी बाई थ्री, तीन एक कम तीन हो जाएगा, तीन में से एक माइनस कर देंगे कितना बचेगा, दो, यानी क्या बचेगा, टू एम जी बाई, टू एम बाई थ्री, अरे अरे अरे, टू एम जी रहेगा, जी बाई थ्री, ठीक।
ठीक, ये आ जाएगा। टेंशन आ गई, बिना दिमाग लगाए, ज्यादा दिमाग लगा देंगे तो खत्म नहीं हो जाएंगे आप लोग, बचेंगे थोड़ी। अब उन्होंने टी डैश पूछा था, ये आप निकालेंगे रिएक्शन फोर्स आर, आर इज इक्वल टू कितना है, कहेंगे आर जो रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन पूछा गया वो है टी रूट टू। तो टी की वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी, उसमें टू रूट टू से केवल और केवल मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगा, कहेंगे टू रूट टू इंटू एम जी अपान कितना थ्री, ये आंसर आ जाएगा। ये इन्होंने पूछा था, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला केस, केस नंबर सिक्स, नोट हो जाए तो बताइए। केस नंबर सिक्स, एक अगला केस आ रहा है, केस नंबर सिक्स कहा जा रहा है कि यहां पर इंक्लाइंड प्लेन है और उस पर पुली ऊपर की तरफ बांध दी गई है, मतलब ये इस तरीके से थोड़ा सा इंक्लाइंड और ऐसे करके स्मूथ सरफेस है इसकी, और यहां पर पुली लगा दी गई है, और यहां एक मास ऐसे रख दिया गया है, और यहां से ये पुली ऐसे आई और इस तरीके से एक मास को ऐसे लटका दिया गया, तो इसका बेस यानी और नीचे जाएगा तो और नीचे कर ले रहे हैं, कौन सी बात। चलिए अब ठीक, कोई दिक्कत नहीं आपको, अगर मैं अच्छा लगे तो हम और आगे कर दे रहे हैं, ठीक इस तरीके से है, यह एंगल थीटा दिया हुआ है, समझ आ रही बात, ये M1 है ये M2, आपको फाइंड करना है एक्सेलेरेशन एंड टेंशन। चलिए क्या फाइंड करना भाई साहब, फाइंड एक्सेलेरेशन एंड टेंशन, सवाल बड़ा सिंपल है ना। अब इसमें देखिए दो सिचुएशन हो सकती है, दो सिचुएशन हो सकती है, जाहिर सी बात है। सिचुएशन नंबर वन है ना, सिचुएशन वन, सिचुएशन नंबर वन क्या हो जाएगी, सिचुएशन नंबर वन हो सकता है कि आप जब इसके कंपोनेंट करेंगे तो आप देखिए यहां पर क्या आंसर इसी में कर रहे हैं हम, आप अलग से कर लीजिएगा बना के, यहां पे हम लोग कर दें, ये देखिए एम टू जी, इसका कंपोनेंट करना शुरू करिए, देखिए ये एम वन जी यहां पर काम करेगा और इधर की तरफ जाहिर सी बात है एम वन जी साइन थीटा काम करेगा, और इधर की तरफ क्या काम करेगा, कहेंगे एम वन जी कॉस थीटा, और इधर की तरफ रिएक्शन, ये एक दूसरे को बैलेंस करे रहेंगे ताकि उधर उधर ना जाए, ये स्मूथ सरफेस है, याद रखिएगा ये स्मूथ है, फ्रिक्शन वाला केस हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन पूरा अलग से पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके करेंगे, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम यही सब जो यही सब रिपीट होंगी, बस उसमें एक नया फोर्स ऐड होगा फ्रिक्शन। चलिए अब केस नंबर वन, हो सकता है कि इसकी वैल्यू जो ये वैल्यू इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पे आपको ध्यान देना रहेगा, इसकी वैल्यू पे, जैसा कि पिछले कई बार सवालों में आया। अब अगर सिचुएशन वन, अगर ये ज्यादा है ये कम हो जाए, यानी इसकी वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू, ये नहीं कि मास कम ज्यादा, पूरी वैल्यू आप करिए, क्योंकि यहां एंगल का भी मामला है, ठीक। अगर एम टू जी इज ग्रेटर देन कहा जाए एम वन जी साइन थीटा, तो एक्सेलेरेशन क्या आएगा, यानी ये ज्यादा है इसका मतलब एक्सेलेरेशन इधर की तरफ आ जाएगा, याद रखिएगा एक्सेलेरेशन किधर की तरफ, इधर की तरफ, एक्सेलेरेशन किधर की तरफ, इधर की तरफ, ये एक्सेलेरेट किधर की तरफ करेगा, ये इधर की तरफ, ठीक। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा भले डायरेक्शन अलग है, उससे हमें ध्यान है नहीं देना, ठीक। चलिए अब क्या करना होगा, एक्सेलेरेशन आपको चाहिए तो नेट फोर्स कौन कौन ज्यादा है, ये किससे ज्यादा, इससे, यानी इसका मतलब क्या, कहेंगे एम टू जी इज ग्रेटर देन, यानी ज्यादा है एम वन जी से, तो इसको हमने माइनस कर लिया अपान टोटल मास कर दिया, कहेंगे एम वन प्लस एम टू हो गया आंसर, एक्सेलेरेशन निकल के आ गया। अब रही बात टेंशन की, यानी स्टेप फर्स्ट आपका आ गया, स्टेप सेकेंड आप चलेंगे टेंशन की तरफ, यानी ये एम टू जी ज्यादा है तो इसका मतलब इसमें जो लग रहा है वो क्या है, सब टेंशन है, जितने ब्लैक और रेड से लिखे गए वो आंसर के लिए लिखे गए, बाकी सवाल ब्लू से था, ठीक है। इसमें टेंशन है, स्ट्रिंग सेम है वही है तो टेंशन सेम रहेगी, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी, इसका मतलब टेंशन हमें इसमें चाहिए, ये ज्यादा है ये तभी तो इसको खींच रहा है, तब ये ज्यादा है यानी इस पर क्या ज्यादा फोर्स लग रहा है, यानी एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू क्या, एम टू ए, ए की वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए टी इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एम टू ब्रैकेट में एम टू बाहर आ जाएगा, है ना,
और क्या आ जाएगा जी माइनस ए। ठीक, अब ए की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिचुएशन नंबर सेकेंड दूसरी क्या है कि अगर मान लीजिए यहां पर एम टू जी लेस देन हो जाए, यानी क्या कहेंगे एम वन जी जो साइन थीटा इसकी वैल्यू अगर किससे ज्यादा हो जाए, कहेंगे एम टू जी से, तो पूरी बॉडी का मोशन अब किधर होगा, कहेंगे ठीक इधर होगा, अपोजिट, ठीक इसके अपोजिट। अब याद किया रेड वाले का क्या अपोजिट, तो इसको हम लोग यहां सिचुएशन सेकेंड को ग्रीन से गोला बना लें और इसके लिए हम लोग दिखा ले क्या इधर की तरफ इसका एक्सेलरेशन, सिचुएशन सेकंड के लिए एक्सेलरेशन इधर की तरफ और इसमें किधर की तरफ, कहेंगे यहां दिखा ले ये ऐसे, ये इधर की तरफ, ये ग्रीन से कर दिया, सिचुएशन सेकंड के लिए ये हो गया। अब सिचुएशन सेकंड के लिए क्या है कि यानी एक्सेलरेशन आपको चाहिए, ये है सिचुएशन। ठीक, हाँ भैया, दूसरी अवस्था दूसरी परिस्थिति में आप देखेंगे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहेंगे अब जो ज्यादा है उसमें से कम करिए, इसको कम करिए, कहेंगे इसको कम करिए अपान क्या, कहेंगे वही टोटल मास। ठीक, ये आ जाएगा अब एक्सेलरेशन, स्टेप वन हो गया। स्टेप टू टेंशन के लिए आपको काम करना है, टेंशन आपको चाहिए तो कौन सा ज्यादा है, इसका मतलब इस पर आप देख रहे होंगे ये एक्सेलरेट कर रहा है इधर की तरफ, यानी टी ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, कहेंगे एम टू जी से ज्यादा होगा। एक्सेलेरेशन किसका है, इसका कितना ए है, ये वाला ए है, ये वाला ए हम रख दिए, ग्रीन वाला ए रख दिए वहां पर। अब देखिए ये उधर उठ के चला जाएगा तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहेंगे एम टू कॉमन हो जाएगा, जी प्लस ए बन जाएगा। अब यहाँ ए कौन सा पुट होगा, कहेंगे ये वाला ए पुट हो जाएगा यहाँ पर, ये आंसर आ जाएगा। यहां पर ए कौन सा पुट होगा, कहेंगे ये वाला ए पुट होगा। क्लियर है, दोनों सिचुएशन हो गई। चलिए अब सवाल लगाते हैं जरा एक दो, अच्छा अभी और है, वाह दो सिचुएशन और है, दो सिचुएशन नहीं दो केसेस और है। अगर मान लीजिए केस नंबर थर्ड इसी में कर दें, सिचुएशन थर्ड। अब यहां पर जरा तीसरी सिचुएशन, कह रहे हैं यहां पर ये इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो क्या होगा, मामला समझिए जरा, इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए तो क्या होगा, यानी एम टू जी इज इक्वल टू एम वन जी साइन थीटा, ये दोनों इक्वल हो जाए, ये दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, इस वैल्यू को बराबर का मतलब अगर ये वैल्यू सेम है तो इसका मतलब हम इसको x मान लें, अगर इसकी इसका वैल्यू x आ रहा है, इसके भी x आ रही है, जरा अब किसी में भी रख के देख लीजिए क्या होने वाला है, तो a की वैल्यू क्या आएगी और t की वैल्यू क्या आएगी, तो नंबर वन a की वैल्यू निकालेंगे, अब यहां पर भी x रखेंगे, यहां पर x रखेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे यानी x माइनस x, यही तो अपान टोटल एम वन प्लस एम टू, ये कितना आ जाएगा जीरो, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा जीरो, तो क्या टेंशन भी जीरो आएगा, क्या टेंशन भी जीरो आएगा, करते हैं जरा देखते हैं, कहेंगे हाँ देखते हैं कहां पे, यहां पर कहीं पर भी, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई जीरो, तो नंबर सेकंड कहेंगे टेंशन जरा देख लेते हैं, ये तीसरी सिचुएशन है, आप आराम से लिखिएगा टी, किसी में पुट कर दें इसी को, यहीं पर ए की वैल्यू जीरो है यानी ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, टी की वैल्यू क्या आएगी, कहेंगे एम टू जी के बराबर आएगी। टेंशन जीरो नहीं होगा लेकिन नेट फोर्स इन द सिस्टम वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, याद रखिएगा पिछले सवाल एक सवाल में पूछा गया था ना कि फोर्स बिटवीन द मासेस ऐसे था ना वो ऊपर की तरफ, तो उसमें हम लोगों ने नेट फोर्स निकाल के जीरो किया था। अगर आपसे कहा जाए नेट फोर्स, तो नेट फोर्स एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो, लेकिन टेंशन है, हाँ टेंशन तो है बिल्कुल है, यह एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है, एफ नेट की वजह से आता है, एफ नेट की वजह से आता है यानी नेट फोर्स की वजह से, कोई भी बॉडी कोई भी सिस्टम जब भी एक्सेलरेट कर रही है याद रखिएगा उस पर एक नेट फोर्स काम कर रहा है, कौन सा फोर्स, नेट फोर्स, बाकी सब इंटरनल फोर्सेस उनको नेट फोर्स में इंक्लूड नहीं किया गया, उनका एक समेशन करके जोड़ घटाव करके एक नेट फोर्स आया, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आया था, उसकी वजह से एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो। एफ नेट अगर पूछा जाए कहेंगे एफ नेट पूरे सिस्टम पर जीरो, नोट कर लीजिएगा इसको अंडरलाइन करके एकदम, एफ नेट कहेंगे जीरो।
चलिए ये तीन सिचुएशन इसमें बनी। अगला सवाल, अगले सवाल में कुछ इस तरीके का मामला है। कहा जा रहा है कि एक पिलर है, ठीक, दो पुली लगाई गई है, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, और ये देखिए पूरा रस्सी एक ही है, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, ठीक, इस पे चढ़ा के इधर मासेस टांग दिए गए। पूछा नहीं जाएगा ये सवाल, घबराइए मत, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे और जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो। ये सिचुएशन है, केवल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है ना। ये M1 है, ये M2 है, कहा जा रहा है कि M1 is greater than M2, तो फाइंड करिए आप क्या, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। चलिए M1 is greater than M2, आ जाएगा आराम से, बोलिए, ठीक है। अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब यानी ये इधर की तरफ जा रहा होगा, यानी ये क्या इधर की तरफ काम कर रहा है, M1G, ये इधर M2G, हमेशा यही होगा भैया, इसमें टेंशन पूरी स्ट्रिंग एक है तो सब में क्या टेंशन सेम रहेगी, ठीक। यहां पर भी वही हो जाएगा, अगर ये इसका R पूछा जाए इधर की तरफ, ये R, तो यहां पर क्या, ये देखिए T है, तो यहां पर इधर की तरफ क्या हो जाएगा, टी रूट टू इधर काम करेगा, और यहां पर भी ये देखिए इधर की तरफ आर काम करेगा रिएक्शन फोर्स, इधर की तरफ ये भी टी रूट टू हो जाएगा, है ना, रिएक्शन ऑन द पुली। ब्लैक से सारे आंसर लिख दिए गए। अब ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये सब फ्रिक्शनलेस था, ये ज्यादा है तो ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ, इसका क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, सारा मामला सेट है। ए की वैल्यू आपने निकालनी है, पहला काम ए की वैल्यू, कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, किससे ज्यादा, इससे ज्यादा, तो इसका मतलब क्या, एम वन जी माइनस एम टू जी, बिना दिमाग लगाए टोटल मास कहेंगे एम वन प्लस एम टू, जो चीज है नहीं वैसे भी कहाँ लगा करेंगे, दिमाग भी तो नीट वालों का वही होता है ना भैया। अच्छा, रटने में भाई दिमाग रखते बहुत हैं, इस्तेमाल नहीं करते, सब गंदे बच्चे होते हैं। चलिए टेंशन पूछा गया, टेंशन किसी एक को पकड़ लीजिए, टेंशन क्या, आप क्या टेंशन का, यहाँ क्या हो जाएगा, टी, टी ज्यादा है बोलेंगे हाँ, किससे ज्यादा, कहेंगे एम टू जी से, क्या हो जाएगा, कहेंगे एम टू ए, ठीक, ए की वैल्यू आपने इसमें पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कहेंगे उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एम टू कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जी प्लस ए, ए की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, कहेंगे यहाँ से, आ जाएगा आंसर। ये सवाल है, ठीक। अच्छा, आगे वाले में कह रहे हैं कि यहाँ एक मास एम बांध दे रहे हैं, तो उसमें कौन सी बात है, ये होमवर्क के तले कर लीजिए, उसमें क्या है, एक एग्जांपल जरा होमवर्क में करके देख लीजिएगा, क्या रहे, ये है जो सिचुएशन, यहां पर एक मास एम अलग से लगा दिया गया, कैपिटल एम का, ठीक, अब की बार रस्सी कुछ ऐसी है और ये पिलर है, ये M1 है, ये M2 है, तो ये ऐसे बांध दिया गया, तो अब क्या होगा वही सब बताना है, ठीक है। अब हम रस्सी पकड़ेंगे, देखिए यहां से यहां तक एक रस्सी है, यहां से यहां तक अलग रस्सी है, इसका मतलब इसमें टेंशन अलग हो जाएगा, इसमें टेंशन अलग हो जाएगा, है ना, बाकी M2 और M1G अलग है, और वो पहले सिचुएशन वही है कि M1 is greater than M2। कुछ लोग कहेंगे सर जल्दी बताइए कौन सा है आंसर, हम फटाक से निकालें, है ना, ये लीजिए यही है, दोनों चीजें वही फाइंड करनी है, क्या एक्सेलरेशन क्या होगा एंड टेंशन क्या होगा, टेंशन मतलब सारी टेंशन T1 और T2, ये क्या होंगे आपको निकाल के बताना था, ठीक। तो इसमें मान लेते हैं क्या T1, और यहां क्या हो जाएगा T2, क्यों, क्योंकि रस्सी अलग तो टेंशन सब काम अलग, बाकी सब ठीक ही है, फ्रिक्शनलेस है मामला, सब फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ पे है, फट से आ जाएगा, ए की वैल्यू आपने तुरंत निकालनी है, ए की वैल्यू आ जाएगी कितना, कहेंगे यानी कौन ज्यादा, ये ज्यादा, किधर जाएगा, इधर जाएगा, क्या जाएगा, ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, बस यही तो करना,
क्या बताया जाए, हो गया ए और टी निकाल के बताइए, आ गया भैया। ये जो ज्यादा है उसमें से इसको माइनस करनी, एम वन माइनस एम टू ब्रैकेट में जी लिख देना है, वही चीज बार बार अपान टोटल मास, टोटल मास कहेंगे एम वन प्लस एम टू ये और प्लस कैपिटल एम ये निकाल लिया आपने, तो अब बचा क्या, टेंशन निकालना हो तो निकाल ही लेंगे, पहले वाले केसेस में देख रहे हैं बस और कुछ नहीं। इस वाले केस में देखेंगे तो कहेंगे यहाँ पे क्या ज्यादा है, कहेंगे एम वन जी ज्यादा है किससे, टी से, तो एक्सेलरेशन क्या कहेंगे एम एम वन ए, ए की वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ से एक आंसर आ जाएगा। थर्ड टी टू के लिए क्या है, कहेंगे टी टू ज्यादा है इसलिए टी टू इज ग्रेटर देन किससे, कहेंगे एम टू जी से, टी टू किससे एम टू जी से, और इसमें एक्सेलरेशन कहेंगे एम टू ए है, ठीक एक यहाँ से निकाल लीजिएगा, ए की वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा। चलिए अगला केस, केस नंबर 7, चलिए अगला केस, केस नंबर 7, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं, इतने केसेस बहुत हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या कि अच्छा ये वाला केस कर ले तब बतियाए ना, बतियाने में बहुत आगे सर जी, बतियाने में बहुत आगे, बात हो बढ़िया उनमें नेता बन जाते हैं, ठीक बतियाने में बहुत आगे। चलिए कहा जा रहा कि ये यहां पर एक ये है और एक मास ऐसे लगा दिया गया और एक मास ऐसे लगा दिया गया, बहुत सही, वाह क्या सवाल है, कह रहे हैं M1 है ये M2, ठीक ये एंगल थीटा वन है ये एंगल थीटा टू, आधा लोग तो बेहोश हो गए होंगे, वही फाइंड करना है क्या, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन होता तो बोला जाता। वही तीन सिचुएशन, पहली क्या देखिए इसका यानी एक कंपोनेंट इधर तो रटा होना चाहिए, क्या हो जाएगा एम वन जी साइन थीटा वन, इधर की तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे एम टू जी साइन थीटा टू, बस। अब नंबर वन, केस नंबर वन, चलिए नंबर वन कहेंगे अगर मान लीजिए एम वन जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन एम टू जी, ये थीटा वन है और ये थीटा टू है, ठीक है एम वन जी साइन थीटा वन या एम टू जी साइन थीटा टू, ठीक ये टू नीचे लगा है समझ समझिएगा कि ये एम टू जी साइन थीटा टू, क्या आप एम टू जी साइन थीटा टू अगर ऐसी अवस्था आ जाए तो एक्सेलरेशन कौन सा फोर्स ज्यादा आपने पहले ही मान लिया ये वाला, तो इसको हम लोग वही रेड से इंडिकेट कर लें, यानी ये इधर जाएगा, ये किधर इधर जाएगा, ठीक इसमें टेंशन टी रहेगा, ठीक है स्ट्रिंग से टेंशन से। चलिए ए की वैल्यू कितनी आएगी भैया, वो ज्यादा है, वो ज्यादा है तो ठीक है एम वन जी साइन थीटा माइनस एम टू जी साइन थीटा टू, ये थीटा वन ये थीटा टू अपान टोटल मास एम वन प्लस एम, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन पहले वाले के लिए। नंबर सेकेंड टेंशन आपको चाहिए है ना, ये सिचुएशन नंबर वन थी, तो अब इसका एक्सेलरेशन आ गया, अब आ जाइए टेंशन के लिए टी, टी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, किसी एक को पकड़ लीजिए काम हो जाएगा, चलिए इसी को पकड़ लीजिए, टी माइनस क्या कर दीजिए एम टू जी साइन थीटा टू, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है टू इज इक्वल टू एम टू ए, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए टी आ जाएगा यहां से, ए की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, ठीक सिचुएशन नंबर वन हो गया, ये वन हो गया सिचुएशन नंबर वन है। सेकेंड पे चलते हैं, क्या हो जाए अगर एम वन जी साइन थीटा वन लेस देन हो जाए किससे, कहेंगे एम टू जी साइन थीटा टू से, तो मामला बदल जाएगा, अब मामला क्या आएगा, कहेंगे इसका मतलब ए की वैल्यू अब क्या आएगी, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू, कहेंगे ए की वैल्यू अब इसमें से इसको माइनस करेंगे एम टू जी साइन थीटा टू माइनस एम वन जी साइन थीटा वन अपान एम वन प्लस एम टू, बहुत तगड़ा दिमाग लगाएंगे तो तगड़ा में चले भी जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा है ना टी। चलिए अब टेंशन, कहेंगे इसका इसका मतलब ग्रीन से इसको शो कर दिया,
ये मार्क किया ग्रीन पे और यहां ग्रीन पे एक्सेलेरेशन, ये इधर की तरफ अब एक्सेलेरेट करेगी बॉडी, तो ये ऐसे एक्सेलेरेट करेगा, तो फिर इसी को पकड़ लिए आपकी बार एक्सेलेरेशन। क्यों उसको मार्क किया? क्योंकि वहां हमें पता चल गया कौन ज्यादा है, कहेंगे एम टू जी ज्यादा है। किससे ज्यादा हो गया? कहेंगे इस पे टेंशन से ज्यादा है। क्या ये एम टू जी साइन थीटा टू माइनस क्या? कहेंगे टी। क्या टी? कहेंगे एम टू जी एम टू ए, ये वाला एक आंस पुट करेंगे, कहेंगे यहां से ठीक, यहां से टेंशन फाइंड आउट कर लेंगे, यहां से क्या फाइंड कर लेंगे टेंशन। सिचुएशन नंबर थर्ड, देखिए कुछ नहीं बड़ा सवाल था, छोटा छोटा इक्वेशन बनती है भैया। सिचुएशन थर्ड, तीसरी कहानी ये हो जाए कि अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा? जीरो। एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा? जीरो। तीसरी कहानी ये कि अगर मान लीजिए एम वन जी साइन थीटा वन इज इक्वल टू क्या आ जाए? कहेंगे एम टू जी साइन थीटा टू, तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा? जीरो। लेकिन टेंशन जीरो? कहेंगे ना, टेंशन नॉट जीरो, टेंशन जीरो। लेकिन एफ नेट? कहेंगे हाँ वो जीरो हो जाएगा। आप इसमें निकाल लीजिएगा किसी से भी, ये जीरो, ये जीरो नहीं होगा ठीक। तो ज्यादातर ये पूछा जाएगा आपसे ये वाला, क्योंकि आपके पास इसमें तो दिमाग लगा लेंगे, इसमें तो बेहोश हो जाएंगे। टेंशन भी लगेगा बिल्कुल, कहीं पर भी देखिए, अगर मान लेते हैं इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आपने निकाली, एक्स आ जाए तो एक्स रखिए यहां पर, कहीं पर भी एक्स एक्स, ये जीरो आ जाएगा। यहां पर एक्स रखेंगे तो यानी इसकी वैल्यू एक्स है, जो कि क्या है? एक्स। एम इसकी वैल्यू जीरो, यानी ये एक्स है, तो टी इज इक्वल टू एक्स के बराबर आ जाएगा, यानी टेंशन किसके बराबर आएगा? कहेंगे एम टू जी साइन थीटा टू के बराबर आ जाएगा। इसमें अगर आप रखना चाहें तो तब भी वही आएगा, देखिए यहाँ पे ये तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे ठीक, ये जीरो हो जाएगा, टी उधर चला जाएगा, आंसर क्या आएगा? एम टू, इसमें चाहे जिसमें पुट कर दीजिए आंसर सेम आएगा ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में और केसेस पढ़ेंगे, जैसे कि मोशन ऑफ लिफ्ट पढ़ेंगे। एक बंदर है वो रस्सी पे चढ़ रहा है, इससे फिर उसका मन हुआ कि उतरेंगे तो उतर रहा है, फिर उसका मन हुआ लटके रहेंगे, तो उस समय टेंशन वंशन क्या लगेगी, है ना? घटेगी टेंशन, बढ़ेगी टेंशन, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होगी रस्सी की, है ना? उसका लिफ्ट के अंदर आदमी खड़ा है, लिफ्ट के अंदर मास रख दिया गया है, लिफ्ट वाला सवाल जरूर आएगा 2024 में, लिफ्ट और हैंगिंग वाले से सवाल जरूर आएगा, क्योंकि 2-3 साल से पीछे पूछा नहीं गया ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का वही होने वाला है, क्लियर है? विच प्रॉब्लम वगैरह हम लोग उसी में करेंगे। धन्यवाद, खूब मेहनत से पढ़ते रहिए, अब आपका एकदम मजा आ रहा होगा फिजिक्स पढ़ने में ठीक है। धन्यवाद।